पागल मत रसन, हार पसंद नहीं है उसको। जैसे बचपन से बहुत ज्यादा हीरे मोती पहन के पली, हाँ? तो मद्रासी को टेस्ट होती नहीं। इतना अच्छा हार दिया, पिंक और ब्लू, लेकिन उसे गौड़ी लगता है। अरे गौड़ी का मीनिंग भी मालूम है उसे, हाँ? गौड़ी होता क्या है? गौड़ी वो होते हैं जो ये मद्रासी गोल्डन धोती येलो कुर्ता, इसको गौड़ी बोलते हैं। मेरे हार को गौड़ी बोल रही, लेकिन प्रॉब्लम है कुछ बोल भी नहीं सकता ना। सालसा चैंपियन जो है, कुछ बोलूंगा तो फिर डांस में अलग करेगी, डांस में अलग करेगी तो मैं कर नहीं पाऊंगा। क्या मजबूरी है यार। एक मिनट, हेलो, रमन भल्ला बोल रहा हूं। मेरे सालसा का जो कॉस्ट्यूम है ना, मुझे आज ही चाहिए। मैं जानता हूं डिलीवरी 2 दिन बाद है, लेकिन मुझे आज चाहिए। मैं चाहता हूं कि मैं पहन के प्रैक्टिस करूं, ताकि तुझे क्यों बताऊं, तू तेरा काम कर, मुझे आज चाहिए तो चाहिए। पता नहीं मैंने भी क्या क्या कह दिया रमन को, कितनी हर्ट की होंगी उनकी फीलिंग्स। अभी सॉरी कहूंगी तो और ज्यादा चिढ़ेंगे। कुछ अच्छा सा प्लान करती हूँ इनके लिए, बाहर ले जाती हूँ फिर बोलूंगी। नहीं होगा बेटा, देर से नहीं होगा, सालसा नहीं होगा। क्या है, तुम नॉक नहीं कर सकती? नॉक क्यों करूं, मेरा अपना ही कमरा है, मेरे अपने ही हस्बैंड है आप, तो नॉक की क्या जरूरत। देखो ये अपने अपने के सपने मन जता, हाँ? प्लीज पॉइंट पे आओ, काम की बात करो। वो क्या है ना, हम लोगों ने कितना काम किया है ना संगीत के लिए, सगाई के लिए, और अभी तो फंक्शंस को टाइम ही नहीं रह गया है, और ये सारा काम करने में ना मुझे मेरे लिए टाइम ही नहीं मिला जरा भी। तो मैं क्या सोच रही थी ना कि मुझे ना 1 घंटा किसी कॉफी शॉप में जाके रिलैक्स करूं। कितना अच्छा लगता है ना कॉफी की चुस्कियां लेना, दोस्तों से बातें करना। बिल्कुल सही कहा तुम, बहुत अच्छा लगता है। जाओ पियो, मुझे क्यों पूछ रही हो? So sweet, thank you so much. मुझे पता है आप कितने बिजी, उसके बाद भी आप मुझे कॉफी पिलाने ले जा रहे हैं। Oh, sweet, sugar free. मैंने कब कहा मैं ले जा रहा हूँ? अभी आप ही ने तो बोला, अकेले आप ही तो मेरे दोस्त है, तो आप ही के साथ कॉफी पीने जाऊंगी। चलो जल्दी चलते हैं, हाँ, इससे पहले कि शाम को भीड़ शुरू हो जाए। चलो एक मिनट, अरे हम दोस्त कब से हो गए? तुम दवाई ठीक से ले रही हो ना? दोस्त नहीं है आप मेरे, क्या क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, तुम पागल तो नहीं हो गई? ठीक है तो मैं रूही से पूछ लेती हूँ कि मेरे तो कोई दोस्त नहीं है ना, तो मैं किसके साथ जाऊँ कॉफी पीने, उससे पूछूंगी। अरे अरे मेरी माँ, कॉफी पीनी है ना, चल। लेकिन क्या इस गरीब आदमी को 2 मिनट मिलेंगे कपड़े बदलने के लिए? प्लीज कृपया करके बाहर जाएंगी प्लीज, 1 मिनट। हाँ मिस्टर टंडन। अच्छा सुन, मैं ना मीर के कपड़े लेके आ रहा हूँ, हमारे यहाँ रोके के कपड़े ना लड़की वाले ही दिलाते हैं। आप आ रहे हो घर पे मीर के कपड़े लेके, क्या बात है। नहीं नहीं मैं तो घर पे ही हूँ, मैं कुछ खास काम नहीं है मुझे, हाँ पूरा दिन घर पे हूँ। हाँ आइए आप, आइए, कॉफी तुम किसी और दोस्त के साथ पी लो, क्योंकि मिस्टर टंडन आ रहे हैं। हाँ मिस्टर टंडन जी, जी कैसे हैं आप? अच्छा जी, वो मुझे रमन से पता चला कि आप आने वाले हैं। एक्चुअली क्या ना, फॉर्मेलिटी में आके ना उन्होंने बताया नहीं आपको कि हम दोनों कहीं बाहर जा रहे हैं घूमने, लेकिन घर वाले सब लोग हैं यहाँ, सो आई होप यू डोंट माइंड। अरे इसमें माइंड करने की बात क्या है, इट्स ओके, आप टेंशन मत लीजिए। वैसे भी मैं मीर से मिलने आ रहा था, मुझे मीर को शेरवानी देनी थी ना। ओ शेरवानी देने आ रहे थे आप मीर की, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीर तो हो गई ना यहाँ पे और उसको बहुत खुशी होगी आपसे मिलके। सब जल्दी आ जाइए, हाँ हम आपसे बाद में मिलेंगे, बाय। ठीक है बाय। यार मीर, एक बात पूछनी थी तुमसे, ये सगाई में तुम्हारी तरफ से कोई नहीं आएगा, तुम्हारे फैमिली रिश्तेदार? एक्चुअली टंडन साहब, मेरा कोई नहीं है, जो है सब रमन भाई है। अरे ऐसा मत कहो यार, अब हम है ना, तुम मुझे अपना भाई समझो, और ये टंडन साहब मत बोला करो मुझको यार। एक्चुअली मैं किसी और को भाई नहीं कहता, सिर्फ उन्हें कहता हूँ, इसलिए थोड़ा मुश्किल होगा।
अरे कोई नहीं, धीरे धीरे आदत डाल लोगे तो। अच्छा ये सारे कपड़े ना त्रिशा ने तुम्हारे लिए सिलेक्ट किए, हमारे फंक्शंस में तुमको यही कपड़े पहनने। ये देखो। हाय। हे हाउ आर यू? क्या हुआ, पसंद नहीं आए? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो रोजेस तुम्हारे लिए। यू लव रोजेस। थैंक यू एवरी, यू आर सो स्वीट, थैंक यू। One second. I think I got a call. Tanan sir, आप फोन अटेंड कीजिए, मैं एक सेकंड आया। आप देखो वो जो साड़ी तुम मेरे लिए लाए थे ना, मुझे बहुत पसंद आई। इनफैक्ट मैं सोच रही थी कि क्यों ना एंगेजमेंट पर तुम और मैं सेम कलर के कपड़े पहने, कुछ डिफरेंट होगा ना। वाओ अमेजिंग आइडिया। इनफैक्ट मैंने ना अपना हनीमून भी प्लान कर लिया, और वो क्या है ना कि हमारे साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। सारे हाथ छोड़ उसका, नहीं तेरा तेरा ना हाथ तोड़ दूँ। अरे मीर इधर आओ। हाँ बस आ रहा हूँ। मीका जी, I'm sorry. No, Vibhu. आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? वैसे भी अक्का ने मुझे बता दिया था कि आपसे बात हो चुकी है, हमें तो सिर्फ नाटक ही करना है ना। इशिता अक्का और आपके लिए तो कुछ भी करूँगा। ये सब और मुझसे अब नहीं होगा, आप अंदर चलिए। आप मीका जी आप चिंता मत कीजिए, मीर से अपना प्यार छुपाया नहीं छुपेगा, और वो किसी त्रिशा रिशा से प्यार नहीं करता है। वो ना सिर्फ आपसे प्यार करता है, बस किसी को उसके सर पर टपली मारकर उसे याद दिलाने की जरूरत है। सो एवरीथिंग विल बी फाइन, ओके? यू डोंट वरी। नन्द साहब एक मिनट, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। देखिए मैं सच कहना चाहता हूँ, मैं सबसे खुश नहीं। क्या कहा तुमने? देखिए मैं बहुत दिनों से आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नन्द साहब किस चीज से खुश नहीं हो तुम? ये इन कपड़ों से या तुम्हारे हनीमून प्लान से, या तुम मुझे कुछ और ही कहना चाह रहे हो? क्या वो मीर तुम्हारा मन तो नहीं बदल गया है? देखो मीर, रिशा तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, एंड यू बेटर नॉट हर्ट। मेरी बहन मेरे जिगर का टुकड़ा है, और एक बात याद रखना, अगर गलती से तुमने उसकी फीलिंग्स को हर्ट किया ना, तो उसके एक एक आंसू की कीमत रमन को चुकानी पड़ेगी। मीर तो अब जो भी तुम मुझे बोलने वाले हो बहुत सोच समझ के बोलना मीर, और सगाई के अगर एक दिन पहले तुम्हें किसी चीज से प्रॉब्लम हो रही है तो एक बारी रमन की कंपनी के बारे में सोच लेना मीर, ऐसा ना हो कि बाद में मुझे उसकी कंपनी से प्रॉब्लम होने लगे। टंडन साहब आप, भाई साहब आप क्या बातें कर रहे हैं? मैं सगाई के बारे में थोड़ी ना बातें कर रहा हूँ, मैं तो इन कपड़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। सच तो ये है कि ये जो कपड़े हैं ना टनन साहब, मेरे टेस्ट के बहुत लाउड हैं। मैं नहीं पहन पाऊंगा, बट अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं जरूर पहन लूंगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। यार सॉरी सॉरी, ये पंजाबी खून है ना, गर्म हो जाता है। बहुत ज्यादा ड्रामेटिक हो गया ना। आई टेल यू ये सब टीवी सीरीज देखने का असर है, ये सीरीज देखने कम करने पड़ेंगे यार। देख यार मीर, त्रिशा ना मेरी बेटी जैसी है, उसे अपनी गोद में पाला है यार मैंने, तो कभी कभी ना थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ। क्या है ना उसकी सगाई हो रही है तो फिक्र होती है कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। ओ यार, जहाँ तक कपड़ों का सवाल है यार, ये बर्मिंघम की कुड़ियाँ होती है ना, ये अपनी जिंदगी ना बॉलीवुड स्टाइल जीती हैं, बॉलीवुड। और देखियो तेरे को भी अपना वो शाहरुख खान बना के ही छोड़ेंगी। और एक बार ही तुम दोनों की शादी हो जाए, उसके बाद तू उसका टेस्ट बदल दियो यार। मैं क्या बताऊं आपको कि मैं त्रिशा को तो शायद खुश रख लूंगा, मगर यह मेरा मुंह देखने आई हो या कुछ बोलने आई हो? हाँ
बोलूं क्या बोलूं? तुम मुझे यहाँ लाई हो जरूर कोई बड़ी बात होगी ना। अगर लेक्चर देना होता तो घर पे देती, तुम थोड़ी आगे पीछे देखती हो। तो मतलब की बात करो। क्या है ना कि क्या हुआ, याददाश्त कमजोर हो गई, भूल गई? सर आपकी कॉफी। तुम्हारी कॉफी भी आ गई, अब तो बोलो। वो मुझे एक्चुअली आपसे कहना था कि आप वो जो नेकलेस लेकर आए थे ना। जानता हूँ गॉडी है, तुम्हें पसंद नहीं है तो उठा के फेंक दो ना यार, उसके लिए यहाँ तक लाई हो मुझे। आप खुद ही बोले जा रहे हो, खुद ही बोलोगे या मेरी भी बात सुनोगे? तुम्हारा दोस्त हूँ ना, दोस्तों के सामने हकला क्यों रही हो? ऐसे बात करती हो अपने दोस्तों से? तो आप चाहते हो मैं आपसे वैसे बात करूं जैसे मैं अपने दोस्तों से बात करती हूँ? करो। उनसे तो एक ही तरह की बात होती है, पतियों की बुराई। ठीक है, आज दोस्त बन के आए हो तो ये भी सुन लूंगा, बोलो। रियली? तो क्या बुलाऊं आपको, रमा? रमा, तुम जानती हो मेरे पति कैसे हैं? My God, he's so egoistic. बड़े वो हैं वो, सच्ची। मतलब अपने से ऊपर तो किसी को समझते ही नहीं है, उनसे सिंपल चीजें तो होती नहीं है। सिंपल वर्ड्स जैसे प्लीज बोलना, थैंक यू बोलना या सॉरी बोलना, बुलवा ही नहीं सकते आप तो। अगर आपने उन्हें बहुत फोर्स किया, बहुत पुश किया या रूही के बोलने पे उन्होंने कह भी दिया, अगले ही सेकंड ऐसा कुछ तो भी करेंगे कि सारा कुछ कचड़ा। कुछ इतनी मीन बातें बोलते हैं वो। He's so mean. He's so, you know, so rude. Really? कुछ तो अच्छा होगा ना, वरना ऐसे आदमी से तुम निभा क्यों रही? क्या हुआ? आप जानना चाहते क्या हुआ तो आप पीछे मुड़कर देखिए। I was right कि रूबी और त्रिशा के बीच में कुछ चल रहा है। समझ गया। तुम्हें पता था वो लोग यहाँ आने वाले हैं, तो उन पे जासूसी करने के लिए दोस्ती और कॉफी का बहाना बना। मुझे खुद को अभी शॉक लगा उन्हें देख के, मुझे थोड़ी पता था कि वो यहाँ आने वाले हैं। Shut up. तुम्हारा दिमाग मैं भी ठीक करता। अच्छा नहीं लगता है क्या करें? तुम जो कर रही हो अच्छा लग रहा है क्या? अरे चलो रमन। अब भैया अभी आप लोग यहाँ? हाँ बस कॉफी पी के निकल ही रहे थे तो सोचा कि तुमसे भी मिल ले। इनफैक्ट तुम्हारी भाभी तुमसे कुछ पूछना चाहती। रमन नहीं, नहीं पूछ लो ना, मुंह पे पूछ लो। अच्छा नहीं त्रिशा, बहुत अजीब लग रहा है ये पूछने में, पर तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? मैं काफी दिनों से देख रही हूँ, कुछ तो है। अभी रोमी और मेरे बीच there's absolutely nothing। भाभी क्या बोल रहे हो, आपको पक्का कोई गलतफहमी हो गई है। एक्चुअली हम डीजे की लिस्ट देखने आए थे, गानों की लिस्ट। एक्चुअली पार्लर गई थी, सबसे पास यही एक कैफे था, तो हम यहीं आ गए। तो क्या ये काम घर पे नहीं हो सकता था? सो व्हाट भाभी, एक कॉफी तो पी है। हे हाय रोमी, हाउ आर यू? ये लो। हाय तिशा। हाय। अरे रमन सर आप भी यहाँ? भाभी नमस्ते। सॉरी मैं कहीं बीच में तो नहीं आ गया? नहीं नहीं बीच में टांग अड़ाने की आदत तो हमारी। अगर त्रिशा के साथ उस दिन रोमी नहीं था तो कौन था वो लड़का? आप लोग बैठो बातें करो, मैं चलते हैं। चला बैठ भाई। तुम्हारा हो गया? चले बहुत हो गई दोस्ती। तुमसे कहा था ना एक ही घर के दो बच्चे हैं, कॉफी पीने आए, लेकिन तुम्हारा खुराफती दिमाग पता नहीं कहां कहां काम करता है। कर
कभी तो दिमाग इस्तेमाल कर लिया करो यार। करोगी भी कैसे, होगा तो करोगी ना। ऐसे मुझे बहुत काम है, मैं जा रहा हूँ, तुम्हें आना हो तो आ जाओ। क्या ईशिता, तुम उन्हें यहाँ लाई थी उनसे माफी मांगने, सब उल्टा तुम ही को महंगा पड़ गया। अब देखते हैं, शायद रात को मौका मिले। कहाँ रह गए यार ये? ये वही ना जो बिजनेस मैगजीन में आया था। हाँ, ये वही रमन वाला, he's so cute ना। चल चल चल। कुछ जल रही है? नहीं, मुझे लगा। वैसे तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा कि तुम इतनी हॉट प्रॉपर्टी के साथ खड़ी हो कि लड़कियां आज भी मुझ पे मरती। हाँ, मैं लकी हूँ। वो तो तुम हो ही, मैं तो पहले से कह रहा हूँ तुम लकी हो, अनलकी तो यहाँ खड़ा है। वो सब छोड़ो, वैसे एक बात बताओ, तुम्हें कोई खास ढंग का चेंज तो आया नहीं, तो इतनी देर ऊपर कर क्या रही थी? बहुत सारा काम था, वो निपटा रही थी मैं। जो काम किया सो किया, जो करना था वो किया नहीं। वेस्टर्न ड्रेस पहना था, फिर कपड़े की थान लपेट के आ गई। मैंने सारे कपड़े साथ में रखे, मैंने सोचा वहीं जाके चेंज कर लूंगी। सोचा? इसने कहा कि तुम सोच सकती हो, जो चीज नहीं है वो इस्तेमाल मत किया करो, समझी? अब चलो, चेंज वहीं करना था तो यहाँ क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो? ओ रमन, आज तो बड़ा डैशिंग लग रहा है। ओए होए रमन, आज तो मेरी डेथ ही हो गई। पम्मी आंटी तुसी है ना? आंटी नहीं बोलना, आज तो पम्मी बोल। और बाय द वे शीता, ध्यान रखी रमन दा, इतना सोना लग रहा है, आज कितने कोई कुड़ी चिड़ी इन्हों कितने उड़ा के ना ले जाए। अब इस सालसा चैंपियन को दिखाता हूँ, श्रमण कुमार भल्ला का सालसा।